बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल घर का खाना विद नूरजहान किचन। देखिए आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं छोले मसाला। छोले मसाले तो आपने बहुत तरीके से खाए होंगे, मगर ये तरीका सबसे अलग है। देखिए छोले मसाले किस तरह मसाले में लबेज है, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। कितने लटपटे से मज़ेदार छोले बनके तैयार हो गए हैं। तो आइए देर किस बात की, शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 250 ग्राम छोले रात को भिगा के रखे थे 6 से 8 घंटे के लिए। अगर आपके पास रात को वक्त नहीं है तो आप सुबह भी इसे भिगा सकते हो। और इसे अच्छी तरह पानी से धोकर लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे हम कुकर में उबालेंगे। आप देख सकते हो छोले के एक एक दाने अच्छी तरह फूल गए हैं। हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक। नमक डालने से हर छोला चना टेस्टी बनेगा। इसके बाद डालेंगे 1 तेज़पत्ता और 3 लौंग, 4 से 5 काला मिरी, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। खड़े मसालों का इस्तेमाल आगे नहीं होगा, इसलिए बॉयल करते वक्त डालते हैं। अब डालेंगे इसमें 2 ग्लास भर के पानी, जिससे हमारे छोले चने अच्छी तरह पानी में डूब जाए। अब इन तमाम चीज़ों को आपस में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब कुकर को अच्छी तरह बंद करेंगे और 4 से 5 मीडियम और फास्ट फ्लेम पर सीटी लेंगे, जिससे बहुत ही अच्छी तरह छोले चने पक जाएंगे। 4 से 5 सीटी होने पर गैस बंद करेंगे। तब तक हम आगे का काम करते हैं। यहाँ पर हमने प्लेट में लिए है 2 प्याज और तीखे के लिए है 4 से 5 हरी मिर्चें। प्याज को अच्छी तरह कट करके लिए है मोटे टुकड़ों में। इन दोनों चीज़ों को हम मिक्सर जार में अच्छी तरह पीस कर लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा पेस्ट तैयार हो जाता है। अब इसे बाउल में निकाल के रखेंगे और देखते हैं कुकर ठंडा हो गया या नहीं। देखिए बहुत ही अच्छी तरह कुकर ठंडा हो गया है। हम इसे खोल रहे हैं। आज यहाँ पर बहुत ही इजी, आसान और टेस्टी रेसिपी बनने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हमने जो भी खड़े मसाले डाले थे उसे निकालेंगे, वरना खाते वक्त मुंह में आ जाते हैं। तो लौंग, तेज़पत्ता, काला मिरी और दालचीनी जो भी हमने डाले थे। और आप देख सकते हो छोले चने अच्छी तरह पक गए हैं और देखिए कितने सॉफ्ट और मुलायम बने हैं। इसमें से 2 टेबल स्पून चने हम निकाल कर लेंगे। इसका भी पेस्ट बनेगा, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनने वाला है आज का छोला मसाला। और छोले चने को हम पानी के साथ बाउल में निकाल के रखेंगे, वरना चने हार्ड हो जाते हैं, आप तो जानते हो। देखिए बॉयल चने के साथ हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। टमाटरों को भी अच्छी तरह काट के इसी मिक्सर जार में हम चने और टमाटर को अच्छी तरह पीस कर लेंगे। बहुत ही फाइन पेस्ट तैयार होगा, जिससे बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार और मसाले में लबेज छोले मसाले तैयार हो जाएंगे। देखिए इसे भी बाउल में निकाल के रख रहे हैं। अब चलते हैं कढ़ाई के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 4 से 5 चम्मच हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाले हैं और डाल रहे हैं 1/2 चम्मच जीरा। देखिए जीरा अच्छी तरह तड़क रहा है। और डाल रहे हैं 1 चुटकी भर के हींग। दोनों चीज़ें अच्छी तरह फ्राई होने के बाद हम डालेंगे प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट जो हमने पीस कर लिए है, और इसे भी गर्मा गर्म तेल में अच्छी तरह फ्राई करेंगे। देखिए अच्छी तरह हम प्याज को फ्राई करेंगे जब तक प्याज हल्का गुलाबी ना हो। हम इसे ढक के रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो पानी है वो सूख जाए। और आप देख सकते हो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और प्याज में जितना पानी था वो पूरी तरह सूख गया है और प्याज अच्छी तरह गुलाबी हो गए हैं। अब इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन की महक ख़त्म होने पर डालेंगे टमाटर और छोले का पेस्ट जो हमने पीस कर लिए थे, और इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए अब हम थोड़ा सा कटोरी धोकर पानी डाल रहे हैं 1 घूंट के करीब, और इसे भी अच्छी तरह फास्ट फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आप देख सकते हो मसाला अच्छी तरह फ्राई हो गया है। और इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच घर का पिसा हुआ गरम मसाला, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है इससे, 1/4 स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, और इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर, और डाल रहे हैं धनिया पाउडर, ये भी 1 चम्मच भर के लेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्टी बनेगा हमारा छोले मसाला। तमाम ड्राई मसालों को अच्छी तरह मसाले में फ्राई करेंगे। देखिए गैस का फ्लेम मीडियम है, हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे फ्राई करेंगे।
तो बहुत ही टेस्टी और मसालेदार और जायकेदार बनने वाला है छोले मसाला। देखिए एक एक दो दो टेबल स्पून के हिसाब से पानी डालते जा रहे हैं और एक छोटी कटोरी पानी हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल दिए है और मसाले को अच्छी तरह भून कर लिए है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है, मसाला अच्छी तरह फ्राई हो गया है। देखिए पानी बिल्कुल नहीं है और तेल भी छूट रहा है। हम इसमें डाल रहे हैं बॉईल किए हुए छोले और इन्हें भी डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर पकाएंगे स्लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह तमाम मसाले का फ्लेवर छोलों में आ जाए। और आप देख सकते हो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और मसाले में छोले चने अच्छी तरह पक गए हैं। बहुत ही कम चीज़ों से बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान तरीका ये छोले मसाले बनाने का हमने आपसे शेयर कर रहे हैं। और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी ताकि छोले मसाले अच्छी तरह लबलबित हो और तमाम चीज़ों को आपस में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, क्योंकि बॉयल करते वक्त भी हमने नमक डाले थे। और आप देख सकते हो छोले मसाले अब आपको पतले दिखाई दे रहे हैं, मगर हम इसे ढक के पका रहे हैं 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह पक जाए और मसाले और छोले एक हो जाए। यहाँ पर हम डाल रहे हैं 50 ग्राम दही। बहुत ही अच्छा फ्लेवर, टेस्टी और मज़ेदार बनने वाला है हमारा छोले मसाला। और इसे भी डाल के 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, ताकि दही बिल्कुल अच्छी तरह गायब हो जाए। और आप देख सकते हो माशाल्लाह दही बिल्कुल गायब हो चुका है और अच्छी तरी भी छुट्टी है। और छोले मसाले आप देख सकते हो ना ज़्यादा गाढ़े हैं ना ज़्यादा पतले हैं, बहुत ही अच्छी तरह मसाले में लबेज है। 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं और डाल रहे हैं 1/2 चम्मच भुना हुआ कसूरी मेथी और डालेंगे 1 चम्मच भर के छोले मसाला और डाल रहे हैं 1/2 चम्मच मैगी मसाला। बहुत ही अच्छा टेस्ट, बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही मज़ेदार छोले मसाले बनने वाले हैं। और तमाम मसालों को अच्छी तरह छोलों में मिक्स करके 30 सेकेंड के लिए ढककर पकाएंगे, ताकि मसाले बिल्कुल अच्छी तरह छोले मसाले में मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हो छोले में जितना पानी था वो भी बिल्कुल सूख गया है और तरी भी छुट्टी है। और आप देखिए छोले का एक एक दाना अच्छी तरह मसाले में लबेज है और बिल्कुल मज़ेदार चटपटे चटकारेदार छोले बन के तैयार हो गए हैं। कटे हुए हरे धनिए के साथ हम इसे सर्व करेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए छोले चने कितने खूबसूरत और कितना प्यारा कलर आया है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। कितने लटपटे से और मज़ेदार छोले बनके तैयार हो गए हैं। आज हमारे यहाँ पर गर्मा गर्म पूरी बन गई थी तो बच्चों ने ज़िद की कि आज छोले बनाइए, तो हमने कहा आपसे भी शेयर करते हैं। पूरी के साथ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लगते हैं छोले मसाला, तो आप भी अपने घर में अपने बच्चों को पूरी के साथ छोले बना के खिलाइए, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार, और सब बच्चे बड़े मज़े लेकर खाएंगे। तो उम्मीद है और यकीन है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप मेरे चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे। तो अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़, इंजॉय योर डे, बाय। दुआ में याद रखिए।